जब लाइफ आपको हिट करे तब बदले में आप भी लाइफ को हिट करो। जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो हर चुनौती को स्वीकार करो। आपकी हार इसमें नहीं है कि जिंदगी में आपको एक ठोकर लगी और आप गिर गए। गिरने में आपकी हार नहीं है, आपकी हार तो गिरकर ना उठने में है। और जब गिरकर उठते हैं तो दर्द होता है। जब कोई बड़ा फिजूर आता है तो मोटिवेशन गिर जाता है पूरी तरह से। दर्द होता है दिल में जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो और वो फिर भी ना मिले। लेकिन याद रखना, जब जिंदगी आपको गिराए तो गिरने के बाद क्या आप में उठने की क्षमता है? क्या आप उठने की कोशिश भी कर रहे हो? क्या आप उस ठोकर को, उस हार को, उस दर्द को पी करके आगे बढ़ने को तैयार हो? अगर हाँ तो यही वो टाइम है जब आप 99% लोगों से आगे निकलकर 1% लोगों में आ जाओगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी दी, कितने सेक्रीफाई किए, कितना पैसा लगाया। जब लगा दिया है फिर पीछे नहीं हटना। जीतना है मतलब जीतना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिंदगी आपको ठोकर मारकर गिराती जरूर है, लेकिन जिंदगी आपको कभी हराती नहीं है। हारना हमारी चॉइस होती है, हम खुद हार मानकर हार जाते हैं, लेकिन जिंदगी हमें कभी भी हराती नहीं है। आप किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करो और वो आपको ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप गिरकर फिर उठकर उस चीज के लिए मेहनत करते हो, बार बार मेहनत करते हो, उसके बावजूद आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती। आप बार बार सक्सेस के लिए अलग अलग कामों में अपनी जान डाल दो और जब आपको किसी भी एक काम में सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, श्रेष्ठ वो है जिसका दिल टूटा हो, सपना टूटा हो और अपने भी रूठे हो, लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इंसान को उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती।